आप सभी को बता दूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के जलदाय व ऊर्जा विभाग के कार्यों का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिलान्यास किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जोधपुर जिले में जलदाय और ऊर्जा विभाग के विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित किया गया। दोनों विभागों के करीब 551 करोड़ रुपए की लागत से 38 कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। राज्य सरकार प्रदेश को जल और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश के हर गाँव ढाणी तक गुणवत्ता युक्त बिजली और पेयजल उपलब्ध हो। वर्तमान में प्रदेश के 15 जिलों में किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है और वर्ष 2023 तक सभी जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध होने लगेगी। साथ ही राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना के सभी चरणों के काम समय पर पूरे किए जाएंगे। राजस्थान में अकाल और सूखा पड़ना आम बात है, वहीं यहाँ के लोगों ने हमेशा से पानी की किल्लत का सामना किया और पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शा सोच से इंदिरा गांधी नहर का सपना साकार हुआ और आज पंजाब से लेकर के जैसलमेर तक नहरी पानी पहुंचा। वहीं पंजाब और पश्चिमी राजस्थान के 10 जिलों में पानी के पीने की समस्या काफ़ी हद तक समाधान होती हुई नजर आई है। प्रदेशवासियों के हित में राज्य सरकार पेयजल परियोजना के कार्यों को निरंतर गति भी दे रही है।